माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि माला हाथ में और जीभ मुंह में तो घूमती रहती है, पर मनुष्य का ये जो चंचल हृदय है ना, वो चारों तरफ घूमता रहता है। उसे ये याद नहीं होता कि वो किस समय क्या सोच में है। अब अगर वो भगवान, जैसे माला भगवान के लिए हम संबोधित करते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं उन मालाओं के एक एक बीड के साथ, तो पर वो गिनते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं, उन्हें ये याद नहीं रहता कि वो भगवान को ध्यान में दे रहे थे, पर उनका मन कहीं और ही भटक जाता है। तो ऐसी पूजा करने का क्या लाभ? अर्थात जब आप कोई एक कार्य कर रहे हैं तो पूरा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें, ना कि किसी और कार्य पे। सेंट कबीर इन दिस दोहा कंडेम्स दोज फेकिंग टू बी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, सच पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर देयर माउथ एंड माइंड, देयर माइंड कीप्स ऑन वंडरिंग इन द वर्ल्ड इन वेरी अदर वेज, यू नो, लाइक दे विल बी थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स while doing their prayers. These people for name's sake keep rotating the rose beads and tongue in their mouth. Kabir Das ji emphasizes the true meaning of meditation, that is the ability to control one's mind, to focus on whatever they are doing, 100% focus, the key to success.